पाकिस्तानी नापाक हरकत यथावत छे। कृष्णा घाटी में कर्यु छे सीज फायर नु उल्लंघन। राजौरी में शाळाओ बंद छे। तमाम विस्तारों में सुरक्षा पण सघन करी देवाई छे। तो फरी एक वक्त सीज फायर नु उल्लंघन कर्यु छे पाकिस्ताने। नापाक हरकत नकटू पाकिस्तान अने आज रीते उश्केरी रह्यु छे भारत ने। कृष्णा घाटी में कर्यु छे सीज फायर नु उल्लंघन। राजौरी में शाळाओ बंद करी देवाई छे। तमाम विस्तारों में सुरक्षा सघन। અને હાલની જે પરિસ્થિતિ છે તે અંગે જ વધુ વાતચીત કરીશું। હમારે સહયોગી સમીર ભટ્ટ ભી હમારે સાથ જુડ ચુકે હૈ જમ્મુ કશ્મીર સે। જી સમીર, બતાએ કે ફિલહાલ ક્યા હાલાત હૈ? હાલાંકિ યે પૂછને જૈસા નહીં હૈ, હાલાત તનાવગ્રસ્ત હૈ। દેખીએ સંધ્યા જી, મેં આપકો બતા દું, અગર હાલાત કી બાત કરી જિસ તરહ આપને બાત કહી, તો અગર હમ આજ જમ્મુ કી બાત કરે, જમ્મુ ડિવિઝન મે હૈ, જમ્મુ રીજન મે જો લાઇન ઓફ કંટ્રોલ હૈ ઓર આઈબી હૈ, અગર હમ आज की बात करें तो कृष्णा घाटी जो पुंछ में पड़ता है वहाँ पे फायरिंग हुई है। सुबह 5:45 के करीब फायरिंग शुरू हुई, वहाँ पे 7 बजे तक चलती रही और उसके बाद फिर 9:10 से फायरिंग शुरू हुई और अभी भी रुक रुक के वहाँ पे कुछ फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही है। लेकिन जहाँ तक दूसरे रीजन की बात है, दूसरे जगहों की बात करें, चाहे राजौरी है, चाहे पुंछ है, सॉरी राजौरी है, उड़ी है, तो इन जगहों पर कोई फायरिंग नहीं हुई है और हालात वहाँ पे बिल्कुल पीसफुल है। और पहली बार ऐसा हुआ पिछले 3 दिन में कि कोई भी फायरिंग नहीं हुई है राजौरी में, क्योंकि कल भी दिन भर वहाँ पे फायरिंग हुई थी। इस तरह अखनूर में हमने देखा पिछले 3 दिन में फायरिंग हुई, लेकिन आज फायरिंग की आवाज़ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ पुंछ में कृष्णा घाटी में फायरिंग हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रशासन है वो खामोश बैठा है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जो सीमावर्ती एरियाज में जो 5 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। सरकार ने ये स्टेप एज ए प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उठाया है। वहाँ पे जितने स्कूल हैं बंद किए गए और जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आज के इम्तहान हैं 9th और 8th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम, उनको बंद कर दिया, उनको जो है पोस्टपोन कर दिया गया। तो कुल मिला के जो है प्रशासन ने अपनी तरफ से जितने भी कदम है, जो स्टेप उठाने हैं वो उठा रही है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम कहें कि तो जो हाईवे है यहाँ पठानकोट से लेकर कठुआ, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू में, वो आर्मी के हवाले कर दिया गया है। इसी तरह से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और LOC है, वहाँ के जो सिटी एरियाज हैं वहाँ पे एडिशनल आर्मी और BSF की डिप्लॉयमेंट कल से ही, परसों सुबह से की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें आज ये हुई है कि जो एयरपोर्ट है, जम्मू एयरपोर्ट जो कल बंद किया गया था, वहाँ पे आज फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं। कल श्रीनगर के साथ साथ जम्मू और लेह एयरपोर्ट जो हैं उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन आज उनको फिर शुरू कर दिया गया है और ये अच्छी बात है। दूसरी बात, लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत, जो खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो बड़े परेशान थे। उनको लग रहा था कि हो सकता है कि युद्ध की स्थिति बने, लेकिन कल से जितनी डेवलपमेंट्स हो रही है, इमरान खान ने भी जिस तरह कहा और भारतीय सरकार ने भी जिस तरह से बात की है, तो युद्ध का जो एक बना था, एक माहौल बना था, आज लगता है थोड़ा कमी आई है। क्योंकि बॉर्डर की अगर हम बात करें, जो सिचुएशन टेंशन बना था, कल दिन भर फायरिंग होती रही, परसों भी होती रही दिन को, लेकिन आज सिर्फ कृष्णा घाटी पूंछ में फायरिंग हुई है और कहीं नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि जो टेंशन है, जो एक तनाव था, उसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारे सुरक्षा बल है, वो पूरी सतर्कता उन्होंने बरती हुई है, पूरा विजिल उन्होंने बढ़ा दिया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसमें लोगों की मदद करें। लोगों को भी कहा गया है कि वो एहतियात से काम लें और अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो सरकार से बात करें उस टाइम। जी समीर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। જે રીતે અમારા સંવાદદાતા પણ કહી રહ્યા હતા કે આજે તણાવમાં થોડી રાહત અનુભવાય છે, કારણ કે જે છેલ્લા 2-3 દિવસથી ફાયરિંગ થતી હતી, સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન થતું હતું, તેમાં
ક્યાંક નરમ અત્યારે પાકિસ્તાન પડ્યું છે, કારણ કે ઇમરાન ખાને પણ કહ્યું હતું કે બેસીને, તેમણે દાવત આપી હતી કે બેસીને વાત કરીએ આપણે, કારણ કે પાકિસ્તાન પણ સમજી ગયું છે કે જો યુદ્ધ થાય તો તેના માટે નુકસાનકારક રહેશે, અને માટે જ શાનમાં ક્યાંક સમજી ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. પરંતુ પાકિસ્તાનને હલકાઈમાં પણ નથી લેતું ભારત, અને માટે જ સીમાવર્તી જે વિસ્તારો છે ત્યાં અત્યારે ચાક ચોબંધ સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે.